बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद मीरा। आज की वीडियो में मैं साइड पट्टी के साथ गले का एक न्यू और डिफरेंट डिजाइन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है और ये मेरे पास बुकरम है। बुकरम की इस तरह जो मैंने चौड़ाई वो तकरीबन 8 इंच रखी है और इस तरह इसकी लंबाई 7 इंच रखी है। ये डबल फोल्ड में है। यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान मैं 3 इंच पर लगाऊंगी और गले की लंबाई का निशान मैं तकरीबन 5.5 इंच पर लगाऊंगी। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाऊंगी या बैक साइड पे मैंने निशान लगाए। इसके बाद इस तरह ये मैंने गले को खोल लेना है। ये इस तरह यहाँ नीचे मैंने बुकरम लगाई है। अब ये जो मैंने यहाँ निशान लगाया था, यहाँ से इसको मैंने इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। और एक निशान यहाँ पे मैंने 1 इंच की चौड़ाई पे लगा लेना है। इसी तरह यहाँ नीचे भी 1 इंच पे लगाऊंगी। अब यहाँ से ये इसकी मैंने राउंड शेप दे देनी है 1-1 इंच के फासले से। ये इस तरह ये मैंने निशान लगाए। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह मैंने ये गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद ये जो नीचे मैंने स्लिट बनाई है, इसकी की जो मैंने लंबाई है वो तकरीबन यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगाना है। ये 8.5 इंच पे निशान लगाया और एक्स्ट्रा बुकरम की ये मैंने कटिंग कर देनी है। अब इस गले को मैंने आयरन की मदद से शर्ट के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये जो मैंने गला कटिंग किया था, इसको मैंने शर्ट के फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया। इसके बाद ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी मैंने ये ग्लू स्टिक की मदद से सारी फोल्डिंग कर लेनी है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत और लगन से आपके लिए गले के न्यू और डिफरेंट डिज़ाइन लेके आती हूँ। जब मैंने गले की सारी फोल्डिंग कर ली है, इसको अब मैंने शर्ट के फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेना है। यह अब गले को मैंने सीधी साइड पे पलट लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सिंगल सिलाई लगानी है। यह अब गले के मैंने यहाँ पे ये सारी सिलाई लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। जब मैंने इस साइड पे सिलाई लगा ली है, ये जो यहाँ पे पट्टी है, यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग करनी है। इसके लिए ये मैंने व्हाइट कलर का कपड़ा लिया और इसके बाद ये मैरून कलर का, दो कलर के ये मैंने कपड़े लिए हैं और इनके मैंने ट्रायंगल बना लिए हैं। जो ये शर्ट के साथ का कपड़ा है, इसकी ये मैंने 2 इंच चौड़ाई और लंबाई रखी है और इसकी 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई। इसके बाद ये मैंने व्हाइट कलर की डोरी बनाई है, इसकी भी ये मैंने कटिंग कर ली है 2.5-2.5 इंच की। अब ये जो व्हाइट कलर का कपड़ा है, इसका ये मैंने इस तरह ट्रायंगल बना लेना है। इसके बाद ये जो मैंने शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया है, इसका भी ये मैंने इस तरह ट्रायंगल बना लेना है। इसको इसके ऊपर यहाँ पे रखना है। ये जो मैंने डोरी बनाई है, इसको मैंने इस तरह इसके यहाँ पे सेंटर पे रखना है। यह मैंने ट्रायंगल बना लिए, इनको दरमियान में से कट कर लेना है। इसके बाद ये जहाँ से ये मैंने स्लाइस छोड़ी थी, यहाँ से मैंने स्लाइस स्टार्ट करनी है। और अब ये जो ट्रायंगल बनाए थे, ये मैंने इसके दरमियान में लगाने हैं। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये अब मैंने ये गले की सारी सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये मैंने व्हाइट कलर के कपड़े के बटन बनाए हैं, ये मैंने इसके यहाँ पे लगाने हैं। और कपड़े के बटन बनाने का आसान तरीका ये है कि आप इस तरह कपड़ा लें और कोई भी बटन इसके अंदर यहाँ पे रख के और इसके मैचिंग का धागा ले के तो इस तरह इसको फोल्ड कर लें, ये इस तरह। और ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी कटिंग कर दें। ये अब ये बटन मैं यहाँ पे लगा लूँ, फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी तो व्यूवर्स ये देखिए मैंने बटन लगाकर गले का डिजाइन रेडी कर लिया। आज का नेक का ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें क्योंकि मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ आपके लिए गले के न्यू और डिफरेंट डिज़ाइन लेके आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।